चैप्टर नंबर 14 द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्लांट्स। क्लियर बच्चों, हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में पार्ट्स ऑफ अ प्लांट यानी कि पौधे के भागों के बारे में पढ़ा था कि पौधे के विभिन्न भाग होते हैं जैसे कि फ्लावर, लीफ, स्टेम, रूट्स एंड फ्रूट्स। क्लियर बच्चों, ये सभी क्या है? पौधे के भाग है। ओके, एंड टुडे वी विल रीड अबाउट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। और बच्चों आज हम लोग पौधे के प्रकार, टाइप्स का मीन्स होता है प्रकार, तो पौधों के प्रकार के बारे में जानेंगे। क्लियर बच्चों, आप कभी भी किस कोई भी गार्डन में जाते हैं या कोई भी पार्क में जाते हैं तो आप विभिन्न प्रकार के पौधों को देखते हो। जैसे किसी की स्टेम बहुत ही थिक होती है, थिक यानी कि मोटी। ओके, और कोई 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 पौधों की स्टेम क्या होती है? वीक होती है, जो स्टैंड भी नहीं हो पाती है ना। तो ये सभी क्या है? पौधों के प्रकार है। और अब हम उन पौधों के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं। क्लियर, सो नाउ ओपन योर बुक एंड सी पेज नंबर 94। फर्स्ट वी विल रीड अबाउट ट्रीज। ट्रीज का मीन्स होता है बच्चों पेड़। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम लोग बीज यानी शीर्ष यानी कि बीज डालते हैं ग्राउंड में। शीर्ष से एक न्यू प्लांट बॉर्न होता है, एक नए प्लांट का जन्म होता है और वो प्लांट धीरे धीरे ग्रो करके ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर एवरीवन, ट्रीज आर बिग एंड टॉल प्लांट्स विथ स्ट्रॉन्ग ट्रंक सच एज मैंगो, नीम एंड टीक। बच्चों पेड़ बहुत ही लंबे और बड़े प्लांट्स होते हैं और इनकी जो ट्रंक होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग यानी कि ताकतवर होती है। क्लियर बच्चों, ट्री का जो ये बीच वाला पार्ट होता है, ऐसे ट्री होते हैं ना, तो ये जो बीच वाला पार्ट है ये क्या कहलाएगा? ट्रंक। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि जो ट्री का ये जो ये वाला पार्ट है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। क्लियर एवरीवन, सच एज मैंगो, नीम, टीक। बच्चों जैसे कि मैंगो ट्री, नीम का ट्री और टीक यानी कि सागौन का पेड़। क्लियर एवरीवन, तो बच्चों ये सभी पौधों में आपने क्या देखा होगा कि इन सभी पौधों की जो ट्रंक है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और ये बहुत ही लंबे होते हैं और बहुत ही विशाल होते हैं। क्लियर, तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? ट्री कहते हैं। ठीक है, ट्रीज लिव फॉर मेनी ईयर्स। और बच्चों पेड़ जो है वो कई सालों तक रहते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं बच्चों जो सीजनल होते हैं, सीजन के बाद वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन बच्चों जो ट्रीज होते हैं वो कई हजारों साल तक भी जीवित रहते हैं। ओके, आर नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट इज श्रब। श्रब सच एज रोज, जैस्मीन आर स्मॉल एंड बुशी प्लांट। बच्चों जैसे कि रोज, जैस्मीन, ये सभी प्लांट कैसे होते हैं? छोटे और घने होते हैं। दे आर स्मॉलर देन ट्रीज। बच्चों ये जो पौधे होते हैं ये ट्री की अपेक्षा में छोटे होते हैं। बट दे ऑल्सो लिव फॉर मेनी ईयर्स। लेकिन बच्चों ये भी कई सालों तक रहते हैं। जिस प्रकार ट्रीज कई सालों तक रहते हैं उसी प्रकार बुशी प्लांट भी कई सालों तक रहते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ बुशी प्लांट इज रोज एंड जैस्मिन। क्लियर बच्चों, रोज और जैस्मिन के प्लांट को हम बुशी प्लांट कहते हैं। ठीक है, और बुशी प्लांट कैसे होते हैं? बुशी प्लांट स्मॉल यानी कि छोटे होते हैं और ये ट्री की तरह ही कई सालों तक जीवित रहते हैं। क्लियर, आर नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट इज हर्ब्स। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विथ वीक एंड फ्रेजाइल स्टेम। बच्चों स्टेम का मीन्स होता है तना, तो हर्ब्स के जो तने होते हैं वो बहुत ही कमजोर होते हैं। क्लियर, दे लिव ओनली फॉर वन सीजन। और बच्चों ये सिर्फ एक मौसम के लिए ही जीवित रहते हैं, उस मौसम के बाद ये नष्ट हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं।
mint and basil are herbs which have medicinal value. बच्चों मिंट का मीन्स होता है पुदीना और बेसिल का मीन्स होता है तुलसी. तो मिंट और बेसिल ये दोनों हर्ब्स के ही एग्जाम्पल है. क्लियर? जिनके पास औषधीय गुण होते हैं. ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही. आइए अब हम देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा. क्लियर बच्चों, आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ प्लांट ये टॉपिक स्टार्ट किया है और इस और हम लोगों ने 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में भी पढ़ा है. क्लियर? फर्स्ट है बच्चों ट्रीज. सो द एग्जांपल ऑफ ट्रीज आर मैंगो ट्री, नीम ट्री एंड टीक ट्री. ओके बच्चों, ये सभी ट्रीज के एग्जांपल हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज श्रब्स. द एग्जांपल ऑफ श्रब्स आर रोज एंड जैस्मिन. क्लियर? नेक्स्ट इज हर्ब्स. द एग्जांपल ऑफ हर्ब्स आर मिंट एंड बेसिल. स्टूडेंट्स, दिस इज योर होमवर्क आल्सो. बच्चों ये आपका होमवर्क है. यू हैव टू राइट दिस वर्क इन योर होमवर्क कॉपी. बच्चों आपको ये वर्क अपनी होमवर्क कॉपी में एज इट इज राइट करना है और इन सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट के जो एग्जांपल है वो लर्न करने हैं. क्लियर? नाउ कम ऑन योर क्लास वर्क. दिस इज योर क्लास वर्क. ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू स्टार्ट न्यू चैप्टर इन योर कॉपी. ओके बच्चों, आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है. फर्स्ट यू हैव टू राइट चैप्टर नंबर, देन चैप्टर नेम, देन अबाउट द चैप्टर. क्लियर? इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड टाइप्स ऑफ प्लांट. इस चैप्टर में हम पौधे के विभिन्न भागों के बारे में और पौधों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे. क्लियर? पार्ट्स ऑफ अ प्लांट इट मींस बच्चों पौधे के भाग एंड टाइप्स ऑफ प्लांट्स इट मींस पौधों के प्रकार. तो हम बच्चों इस चैप्टर में इन दोनों टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे. क्लियर? दिस इज योर होमवर्क एंड यू हैव टू राइट दिस वर्क इन योर क्लास वर्क कॉपी. ओके दैट्स ऑल. थैंक यू.